शहर के वार्ड 11 के नागरिक पार्षद देवेंद्र रसगनिया के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर पानी की समस्या का समाधान कराने की मांग की। पार्षद ने अलवर न्यूज को बताया कि होली के बाद से ही वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है। अनेक बार जलदाय विभाग गए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। नागरिकों की समस्या सुनकर प्रशासन ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। 29 तारीख को प्रशासन पास अकेला आया था पानी के लिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कोरोना काल में सारी भीड़ वार्ड की मेरे घर पे आती है, मेरे को और मेरे परिवार को कोरोना का होने का डर है, लेकिन बार बार जनता मेरे घर आती है, तो मैं आज पूरे वार्ड की जनता को यहाँ लेकर आया हूँ। और जो मेरे वार्ड में कोरोना पेशेंट है वो खुद पानी की बाल्टी लेकर इधर उधर घूम रहे हैं पानी के लिए, तो मैं कैसे उनको मना करूं कि साहब आप मत घूमो। कब से समस्या है पानी? ये होली से विशेष रूप से समस्या है जी। और जो पंप चालक है पूरण सुड्डल और जगदीश जाटी अपने क्षेत्र विशेष को पानी देते हैं, पानी अपने क्षेत्र में खोलते हैं और कहते हैं आप ये महिला मेरे पास आएंगी तो मैं पानी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ये उनके शब्द हैं। तो आज प्रशासन ने टैंकरों की व्यवस्था के लिए और मांग की है। हमने तो मांग ये कही है कि अगर आप पानी नहीं दे सकते तो हमें जहर दे दें ताकि हम कोरोना से ना मर के जहर से मरे, कुछ से मरे, क्योंकि पानी नहीं है पूरे क्षेत्र में। अब एडीओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? ये दिया है कि तुरंत प्रभाव से टैंकरों से पानी की व्यवस्था कराई जाए और जल्द से जल्द बोरिंगों की जो प्रपोजल जा चुके हैं उनको पास कराया जाए और जो ये जो है पंप चालक इनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। जो है एरिया है जो दिल्ली गेट के आसपास का एरिया है, ये क्या है कि टंकी से एक तो दूरी का हो गया, कुछ अभी गर्मी के टाइम ना कुछ ट्यूबवेलों का पानी कम होने की वजह से टंकी पूर्ण रूप से भर नहीं पाती, तो कम देर चलता है उसकी वजह से लास्ट वालों की समस्या रहती है। तो उस जगह हमने टैंकर भी चालू कर दिए जहाँ समस्याग्रस्त क्षेत्र है, और भी अभी बात हुई कि टैंकर बढ़ाने की, तो एक तुरंत सॉल्यूशन तो ये है कि हम टैंकर इनके तुरंत बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा है, अभी 3 जा रहे हैं तो और बढ़ा रहे हैं।